ये राजा वीरभद्र सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम याद कर रहे हैं, यानी कि 62 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर शुरू किया था। महासू डिस्ट्रिक्ट से पहला इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद 65 में, फिर आफ्टर 72 में, उसके बाद ये मंडी पार्लियामेंट हल्के से जो इलेक्शन लड़ा, इस तरह करते करते पूरे ज़िंदगी में 65 साल एज यू नो एमपी, मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, पूरे 65 साल अपने ज़िंदगी के उन्होंने इस प्रदेश की सेवा में, इस देश की सेवा में लगाए, उसको हम बुला नहीं सकते। उसके बाद उनका जो एक तरीका था काम करने का और लोगों को अपने साथ लेके चार चलने का, वो एक अजीब तरीका रहा। 6 बार मुख्यमंत्री बनना इट्स नॉट दैट ईजी, और कहीं ना कहीं की गलती हो जाती है, मगर उनकी जो कार्यकुशलता थी, उनका जो प्रेम भाव था, जो स्नेह था लोगों के प्रति, उससे जो है आज 6 बार वो मुख्यमंत्री बने, और आज भी हम जो है उनकी कमी महसूस करते हैं। जिस तरह ने जहाँ तक विकास की बात है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप शिमला में अगर आप देखेंगे, आज तो हम बहुत बातें कर रहे हैं हेल्थ में, हेल्थ के अंदर जितना विकास हुआ है, लाइक यू नो IGMC में जो डेवलपमेंट हुई है, OPD ब्लॉक बना, देन कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, देन यू हैव यू नो चमियाना में जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, टांडा मेडिकल कॉलेज, देखिए लॉट ऑफ थिंग्स, और इतने मेडिकल कॉलेज बने, चाहे पाउंटा में है, अपना हमीरपुर में, ये सब राजा वीरभद्र सिंह की देन, ये उनकी सोच थी, उनको भुलाया नहीं जा सकता। आज भी लोग याद करते हैं, आगे भी याद करते रहेंगे। किस तरह हम जो है आज यहाँ उनकी चौथी पुण्यतिथि को मनाने के लिए, तीसरी पुण्यतिथि के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। थैंक यू।